तेज बहता बर्फीला पानी और बड़ी चट्टाने, ये नदियाँ जानलेवा हैं। मैंने सोचा था उन पत्थरों से होता हुआ दूसरी तरफ जाऊंगा, पर वो नहीं हो पाएगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द ब्लॉग एंड ऐप से बड़े गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है काफी मजेदार, काफी मस्त वाला। तो गाइस ब्लॉग में बने रहना। अभी मैं खड़ा हूँ NH 52 पे, देख लो आप, अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। अपन जा रहे हैं आज कहीं लंबे सफर पे, है ना। तो गाइस अभी चलते हैं, सीधा गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं, अपने सफर को करते हैं कंटिन्यू, निकलते हैं। तो लोग गाइस अपन लग चुके हैं कोटा के अंदर और कोटा का काफी मस्त मौसम हो रहा है गाइस। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि आज अपन जहाँ जा रहे हैं ना वो बिल्कुल हिडन लोकेशन है और कोटा के अंदर ही है। कोटा थोड़ा दूर है ना, तो गाइस कोटा की निशानी है कि यहाँ के कोचिंग के बैग, कोचिंग के बच्चे और बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े चौराहे, इन सबको देख के लग जाता है कि अपन पहुँच चुके हैं कोटा के अंदर। और अपन कोटा आएँ और कोटा की फेमस कचौड़ी ना खाएँ तो क्या फ़ायदा गाइस। तभी सीधा चलते हैं कोटा की फेमस कचौड़ी खाने के लिए रतन कचौड़ी वाले के यहाँ पर, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस कभी आप कोटा आते हैं तो यहाँ पे जरूर आना, नयापुरा के यहाँ पर शो पे रतन कचौड़ी की, इसको एक बार ट्राई जरूर करना। यहाँ से खा पी के अपन चलते सीधा बोट के शोरूम पे, क्योंकि मुझे बोट के शोरूम पे काम है। अपन एक बार हेडफोन लेते हैं वहाँ पर, भी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आ रही है, दोनों को चेक करा जाते हैं। फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं यहाँ से गाइस। तो अपन चल रहे हैं सीधा केस्टी पे, आपको केस्टी का व्यू दिखाता हूँ सबसे पहले। तो मैं आपको ये ना किशोर सागर तालाब जहाँ सबसे फेमस है वो चीज़ दिखाता हूँ पहले मैं। तो गाइस अपन आ चुके हैं भी केस्टी के बाहर और यहाँ का व्यू काफ़ी मस्त है भाई, है ना। एक बार मैं आपको खुद का व्यू दिखाता हूँ, देखो यार वाह भाई। तो गाइस ये है केस्टी, केशव सागर तालाब, देख लो आप क्या मस्त लोकेशन है, है ना। आप यहाँ से दाना वाना खिला सकते हो कबूतरों को। मैं जुमरे दिखाता हूँ आपको चीज़। तो गाइस जैसे आप यहाँ से दाना लेके दाना खिला सकते हैं कबूतरों को, चूहों को। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुके हैं बोट के शोरूम पे, मैं हाथ में दिख रहा हूँ बोट का शोरूम, सामने बोट का शोरूम। तो चलते हैं एक बार चेक करा के लाते हैं क्या दिक्कत है क्या। फाइनली भी करा दें बोट के अपन ने एयरबड्स चेंज, मतलब 5 दिन के अंदर आ जाएंगे वो, है ना। बोला वो अपना दोस्त आया मिलना हिमांशु, तो अभी एक और दोस्त आने वाला है और अभी चलते हैं चाय वाय पीने के लिए यहाँ से, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं गाइस। तो चलते हैं कहीं अच्छी जगह पर और बताता हूँ मैं आपको कुछ अच्छा व्यू। तो गाइस अभी हम आए हैं लस्सी पीने के लिए, तो ये कोटा की फेमस लस्सी है ना, कुछ प्रकार का व्यू है या दुकान है, छोटी सी दुकान है। लेकिन अभी पीते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट है कैसा नहीं, उसके बाद निकलते हैं। तो गाइस देखो क्या प्यारा व्यू है यार। तो गाइस ये है कोटा और यहाँ की सफाई, रोड वगैरह हर चीज़ ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इतनी पॉपुलेशन, इतनी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से ये जिला है राजस्थान के अंदर, फिर भी देख लो यहाँ पे सफाई कितनी जोरदार है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एक नई जगह पर, वो हिडन जगह है कोटा की, रास्ते किस प्रकार का हो रहा है, कुछ पानी निकाल रहे हैं पानी भर के अंदर। तो चलते हैं दिखाते हैं, आज मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखते हैं क्या व्यू है। तो गाइस कुछ इस प्रकार का व्यू है, देख लो आप, पूरे सूज गीले हो चुके हैं, है ना भाई। नेक्स्ट लेवल है भाई लोकेशन, तो इस प्रकार का व्यू है गाइस। अभी चलते हैं आगे। तो गाइस सबसे अच्छी बात यह है ना कि ना कोई से जब हिडन लोकेशन पे चले जाओ वहाँ पे आपको रोड ऐसी तरह का पाएगा, कच्चा रोड एकदम, है ना। तो काफ़ी अलग ही व्यू रहता है कच्चे रोड का भी। और यहाँ से आपको मैं देखना जा दिखाता हूँ, देखो वहाँ पानी भरा हुआ है, आप वहाँ चलने वाले हैं उस जगह पर। तो गाइस व्यू चेक करो एक बार से, क्या जोरदार व्यू है,
रेलवे का पुल बना हुआ है, ऊपर से रेल निकल रही है, नीचे पानी पानी भरा हुआ है। देखो भाई क्या रैंडम लोकेशन है यार, है ना। तो काफ़ी मस्त लोकेशन है गाइस। और यहाँ पे देखो बीच में भैंसा सो रही है, मस्त इनों का बड़ा सीन है भाई। तो पानी अभी इतना ज़्यादा तो है नहीं क्योंकि ना पानी की बारिश कम है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे पानी ज़्यादा स्टार्ट हुआ नहीं, लेकिन हल्का हल्का चल रहा है, लास्ट में चल रहा है कोने में, तो वहाँ चलेंगे अपन। और यहाँ देखो थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेन आती रहती है, ठीक है। मुंबई रेलवे का ट्रैक निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेन निकलती रहती है भाई। काफ़ी मस्त व्यू है यार। तो गाइस देखो एकदम बर्फ की तरह बिल्कुल ऐसी दूध की तरह स्लाइड चल रही है यार पानी की। और ये व्यू है सामने, आप चेक करो पूरा खाली पड़ा हुआ है, और इस प्रकार का थोड़ा बहुत पानी बह रहा है, इसमें नहाना है इसमें ही। हालांकि लोकेशन काफ़ी मस्त है भाई ये, है ना, लेकिन क्या है भाई पानी कम है यार। तो देखो गाइस वहाँ पब्लिक ही पब्लिक हो रही है, तो अपन भी चलते हैं वहाँ पर। और देखो पहाड़ कैसे काट काट के ना बना हुआ है ये देखो, मतलब पहाड़ कटे हुए हैं, और देखो यहाँ से झरने चल रहे हैं छोटे मोटे। अगर ये पूरा भरा हुआ होता ना भाई तो क्या व्यू रहता यार। देखो क्या व्यू है, देखो भाई। तो गाइस वहाँ चलते हैं उस कोने पे। तो गाइस ये कोटा से काफ़ी दूर है, मतलब यहाँ कोटा से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे ही है, लेकिन काफ़ी हिडन लोकेशन है, काफ़ी जोरदार लोकेशन है। यहाँ का व्यू काफ़ी मस्त है, एक बार आप देखो व्यू पूरा चेक कर लो एक बार, है ना। देखो भाई तो गाइस अभी यहाँ पे पानी की कम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बांध है उस जगह पे आगे वाला, तो यहाँ फट से पानी आ जाता है ना। तो इसलिए अगर आप अकेले आते हो तो कभी भी अकेले मत आना, दोस्तों के साथ ही आना। और अभी एक जगह पर ही झरना चल रहा है, तो काफ़ी मस्त लोकेशन हो रही है, काफ़ी भीड़ हो रही है, सारा पहाड़ कट के बना हुआ है। देखो ये कितना एंटिक लग रहा है भाई। तो गाइस काफ़ी नेक्स्ट लेवल लोकेशन है यार, देखो आप व्यू। तो गाइस यहाँ पे बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है, अगर बारिश आती है ना तो यहाँ का डैम का जो पानी है ना एकदम से स्पीड से बढ़ जाएगा, चादर चल जाएगी यहाँ पे भाई। तो गाइस ये वाला व्यू ना चारों तरफ से पहाड़ से कटा हुआ है, उसके बीच में व्यू बना हुआ है, तो आप चेक करो। देखो सामने पहाड़ ही पहाड़ है लास्ट तक, और कुछ भी नहीं है, बीच में पानी निकल रहा है। देखो क्या तो गाइस वो देख के आप पता लगा सकते हैं कितना साफ पानी है, ये संख बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इस तरह से पानी में रहना देख, दिन में बड़ा हो जाएगा भाई। तो गाइस ये पहाड़ के बीच बीच में पानी आ रहा है, जहाँ जहाँ से भी चट्टानें निकलती है वहाँ से पानी आ रहा है। देखो क्या बड़ा व्यू है यार, हालांकि थोड़ा स्पीड से पानी होता ना तो क्या व्यू लगता है भाई, लेकिन फिर भी जितना आ रहा है ना उसमें कुछ रहते हैं। देखो और सामने के वाले लोकेशन चेक करो आप, क्या मस्त लोकेशन है। तो गाइस ये दोनों भाई नहा रहे हैं, इन्हों को नहाना देते हैं। और ना ये नीचे की जो है ना भाई इतनी ज़्यादा चिकनाहट है ना यहाँ पे कि यार धड़ धड़ गिर रहे हैं भाई। तो गाइस फाइनली अभी यहाँ पे बूंदा बांदी होने लगी है, बारिश आने लगी है ना, तो अपने को ऐसे निकलना चाहिए क्योंकि ना ये थोड़ा नदी वाला माहौल है इधर का। और व्यू देखो कितना शानदार हो रहा है भाई, है ना, आपको ना क्लियर दिख नहीं रहा होगा लेकिन बारिश का मौसम हो चुका है बिल्कुल, लोग जाने भी लग गए। और देखो अभी नहा के निकल रहे हैं अभी, है ना। तो अभी चलते हैं बेक देखते हैं, है ना, क्योंकि फिर बारिश में ज़्यादा गीले होने से बेस्ट है कि निकल जाएं, क्योंकि ना यहाँ पे आप देख ही जाएगा आपने क्या लोकेशन कैसी है। अपना बैग वगैरह जूते वगैरह पहनते हैं, है ना। देखो भाई व्यू तो बहुत जोरदार है।